नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। सभापति गणेश राज बंसल की अध्यक्षता में कल नगर परिषद हनुमानगढ़ की संविधान सभा की बैठक हुई है। बैठक के अंदर सबसे पहले विपक्ष के नेता बलराज सिंह दानेवाली का स्वागत करते हुए गणेश राज बंसल ने इस बैठक को शुरू किया और बिंदुवार जो एजेंडा बैठक के अंदर रखा गया था उस पर चर्चा शुरू की गई। बैठक के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी रहा। 2.5 घंटे तक चली बैठक और 30 एजेंडों पर हुई चर्चा। आपको बता दें कि इस बैठक के अंदर कई बार गर्मा गर्मी का माहौल भी बना, परंतु गणेश राज बंसल और अनिल खिचड़ व सुमित रिड़मा ने इनका जवाब देते हुए सभी बिंदुओं पर विपक्ष का पुरजोर से जवाब भी दिया गया। और इस बैठक के अंदर जहां एक और टैक्सी स्टैंड और स्पीड ब्रेकर और निर्माण कार्य के अंदर गुणवत्ता कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। मनोज सैनी पार्षद ने 3-4 मुद्दे पुरजोर से उठाए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की आयुक्त इस बैठक के अंदर सचिव के रूप में विराजमान रहती हैं, परंतु उनके द्वारा किसी भी बिंदु पर जवाब नहीं दिया जाता। इसमें जो है संशोधन होना चाहिए। आखिरकार आयुक्त इस बैठक के अंदर उपस्थित रहती है, परंतु सभी बिंदुओं पर जवाब विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, गणेश राज बंसल और अनिल खिचड़ और उपसभापति के द्वारा दिया जाता है, जबकि कई मुद्दे कार्यालय से संबंधित होते हैं। इसलिए आयुक्त नगर परिषद को आगामी बैठकों में जवाब देने के लिए पाबंद किया जाए। उन्होंने शहर के अंदर बेतहाशा स्पीड ब्रेकर का मुद्दा भी उठाया कि सड़कों पर बेतहाशा स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं, नॉर्म्स के अनुसार नहीं लगाए गए हैं, जबकि इनकी आवश्यकता नहीं है। इसमें भी संशोधन किया जाए और कार्यालय के अंदर जो कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करवाया जाए और समय समय पर जो उनको ड्यूटी दी जाती है वे उसे गायब रहते हैं, इस पर अंकुश लगाया जाए। इस प्रकार मनोज बंसल ने कई बिंदुओं पर सदन के अंदर ध्यान आकर्षण करने का प्रयास भी किया गया है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के अंदर महिलाओं की संख्या भी काफ़ी है, परंतु 1-2 महिलाओं को छोड़कर किसी भी महिला ने अपने वार्ड से संबंधित किसी भी समस्या को उठाने का प्रयास नहीं किया गया। हालांकि सदन के अंदर ये कहा गया था कि महिला पार्षद भी अपनी वार्ड से संबंधित समस्याओं को पुरजोर से उठा सकती हैं, परंतु महिलाओं का खास रूप से देखा जाए तो सदन के अंदर चुपचाप जो कार्य चल रहा है, जो एजेंडे पर बोला जा रहा है उसी को सुना जा रहा था। अगर हम विपक्ष की बात करें तो बलराज सिंह दानेवाले ने कई बार विपक्ष के तौर पर कई मुद्दों पर बोला भी, विरोध भी प्रकट किया। महादेव बारबक के द्वारा भी कई बार कई बिंदुओं पर विरोध दर्ज करवाया गया। अगर बलराज दानेवाले की हम बात करें तो उन्होंने शहर के अंदर खासकर वार्ड नंबर 11 में जो दुधारू पशु सड़कों पर रहते हैं और दिन भर सड़कों पर गंदगी करते हैं, इसका मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सुझाव दिया कि दुधारू पशुओं के जो इस क्षेत्र के अंदर बैठे हैं उनको शहर से बाहर जगह दी जाए ताकि साफ सफाई भी रह सके और वे अपना जो दूध उत्पादन का धंधा कर रहे हैं वे शहर से बाहर कहीं खुले में कर सकें और शहर वासियों को जो ट्रैफिक की व्यवस्था रहती है, सफाई व्यवस्था की व्यवस्था में जो है अड़चन आती है उसमें सुधार हो सकेगा। इस पर गणेश राज बंसल के द्वारा कहा गया कि इसके लिए भूमि चिन्हित कर उनको वार बसाने की योजना बना ली जाएगी, परंतु पहले उनसे यह लिखित में लेना पड़ेगा कि वे शहर के अंदर पशु नहीं लाएंगे। वहीं दूसरी ओर आवारा पशुओं की समस्या के संबंध में मुद्दा उठा। बलराज दानेवाले के द्वारा आवारा पशुओं का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर गणेश राज बंसल के द्वारा कहा गया कि अगर वार्ड मेंबर नगर परिषद के अधिकारियों को फ़ोन करना बंद कर दें तो 3 दिन के अंदर अंदर शहर के अंदर कोई भी आवारा पशु नहीं दिखाई देगा। ये इस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं, कई सार्वजनिक मुद्दे भी उठाए गए हैं और व्यक्तिगत वार्डों के अंदर कार्य करने के लिए भी मुद्दे उठाए गए हैं। वहीं बीजेपी के पार्षद के द्वारा
शहर के अंदर जो निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं उसमें भेदभाव करने का आरोप भी लगाया गया, परंतु इसका भी उत्तर गणेश राज बंसल के द्वारा दिया गया कि किसी प्रकार का भेदभाव शहर के अंदर नहीं रखा जाएगा और सभी वार्डों के अंदर समान रूप से कार्य होगा। वहीं कुछ शहर के अंदर खांचा भूमि को बंटन की बात भी उठी और उसको भी पारित किया गया, जिससे बोर्ड की आय में वृद्धि होगी ताकि निर्माण कार्य किए जा सके। नीलामी से जो है बैठक के अंदर बताया गया कि नीलामी से ही अभी शहर का विकास किया जा रहा है, शहर का सुंदरीकरण करने के लिए कोई किसी भी तरह से ढिलाई नहीं रहेगी। गणेश राज बंसल ने यही आश्वासन सदस्यों को दिया है और सभी से सहयोग भी मांगा है। मिलजुल कर काम करने का उन्होंने सभी वार्ड वासियों से, सभी वार्ड मेंबरों से ये अपील भी की है। नगर परिषद सभागार में नगर परिषद की साधारण बैठक की गई है, जिसमें रखे गए 27 एजेंडे व 3-4 अंडे जो विशेष एजेंडे थे जनहित के, वो उन पर सभी ने सद्भावनापूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया है एवं समस्त एजेंडे पारित किए गए हैं। मैं इसमें मेरे सभी सम्मानित पार्षदगणों, भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीय पार्षदों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने शहर हित में सभी निर्णय लेकर एजेंडे पारित किए। विपक्ष के नेता बलराज सिंह दानेवाली के द्वारा जो दुधारू पशुओं को शहर से बाहर करने और आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने की मांग जो रखी गई है, वास्तव में जनता के लिए रात की बात होगी। नगर परिषद को इन दोनों बिंदुओं पर, जो कि लंबे समय से नागरिक भी मांग करते आ रहे हैं और कलम न्यूज़ के द्वारा इस मुद्दे को 10 बार उठाया जा चुका है, शहर के अंदर आवारा पशुओं पर अंकुश लगना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनके कारण वाहनों को नुकसान होता है और दुर्घटनाएँ हो रही हैं, खासकर जान माल की हानि हो रही है। इसलिए नगर परिषद को इस दोनों बिंदुओं पर, जो कि विपक्ष के द्वारा उठाई गई है, इनको पूर्ण करते हुए इस पर अति शीघ्रता से कार्य कर दोनों जो समस्या है, शहर के आम नागरिक की समस्या है, आवारा पशु और दुधारू पशुओं को शहर के अंदर घूमना, खुलेआम घूमना और गलियों के अंदर बैठे रहना, आपको बता दें कि वार्ड नंबर 11 के आसपास के एरिए में तो निकलना मुश्किल है, जो दुधारू पशु हैं वो सड़कों पर ही निवास करते हैं, इसलिए समस्या को हल करना बहुत ही आवश्यक है। अब देखना होगा कि नगर परिषद चेयरमैन के द्वारा इस बैठक के अंदर जो आश्वासन दिए गए हैं उन पर कितनी जल्दी अमल होता है और नगर परिषद की ओर से हनुमानगढ़ की जनता को कितनी जल्दी राहत देने का प्रयास किया जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।